गोंडा में दिग्विजय सिंह हॉस्पिटल के संचालक पर केस दर्ज हुआ है। दिग्विजय सिंह हॉस्पिटल के संचालक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। संचालक डीएन सिंह के ऊपर मुकदमा हुआ दर्ज। महिला के इलाज में लापरवाही बरतने का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद अस्पताल के संचालक पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि ठंडा खून चढ़ाने से महिला की मौत की खबर है। तो एक महिला को ठंडा खून चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद महिला की मौत हो जाती है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह केस दर्ज हुआ है। मामले में 5 महीने बाद जाकर ये केस दर्ज हुआ है। अब न्याय की उम्मीद में पीड़ित परिवार है, तो 5 महीने बाद ये केस दर्ज हुआ है और अब पीड़ित को न्याय मिलने का उम्मीद है। नगर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई थी। दिग्विजय सिंह हॉस्पिटल के संचालक पर इस पूरे मामले को देखते हुए एक मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर गोंडा से है, जहाँ संचालक डीएन सिंह के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि ठंडा खून चढ़ाने से महिला की मौत हुई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए तकरीबन 5 महीने बाद यह केस दर्ज हुआ है, जबकि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अब न्याय की उम्मीद में कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार नजर आए हैं, क्योंकि पूरे मामले पर 5 महीने के बाद ये जो मुकदमा है दर्ज किया गया है। नगर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां दिग्विजय सिंह हॉस्पिटल के संचालक पर एक लंबी लड़ाई के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हां, संचालक डीएन सिंह के ऊपर ये केस दर्ज हुआ है। दरअसल अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई थी। महिला के इलाज में लापरवाही बरतने का ये पूरा मामला था, जहां एक लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार जो पीड़ितों की एक एफआईआर है वो अब दर्ज हो चुकी है। आरोप था कि ठंडा खून चढ़ाने से महिला की मौत हो गई थी। वह पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये वही युवती हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कहीं ना कहीं अस्पताल की लापरवाही से युवती की मौत हो गई थी, जिस पर एक लंबे अरसे के बाद, यूं कहे कि एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जो केस है वो दर्ज हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुजीब हमारे साथ जुड़े हैं। मुजीब, तकरीबन 4 से 5 महीने की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जो मुकदमा है वो अस्पताल के संचालक के खिलाफ दर्ज हो गया है, लेकिन ये पूरा मामला क्या कुछ था, संक्षेप में बताइए। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस पे बात करती हूँ, उस तरीके से आप आज गोंडा में आपने आंखों से देख सकते होंगे कि 5 महीने के बीत जाने के बाद भी इस तरीके से एफआईआर लिखी जाती है, उसके बाद भी विवेचना दिया जाता है। जिस तरीके से नर्सिंग होम यहाँ पे जो है मौत के सौदागर बनते जा रहे हैं, इस हॉस्पिटल में ब्लड पुराना बैंक के तरीके से रखा हुआ मिला जो कि एक्सपायर्ड था, इस पे पकड़े जाने पे भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इन लोगों का इस रसूख इतना ऊपर तक है कि इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जी कारण मुजीब, ये तो 4 महीने बाद आखिरकार ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या इस अस्पताल पर पहले भी कोई ऐसे आरोप लग चुके हैं? जी आपको बता दें कि गोंडा में कई ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें रोज मौत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है, लेकिन कोई आवाज उठाता है, लेकिन इन लोगों के बीच में आवाज दब के रह जाती है। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों के जैसे लोगों का एक एफआईआर लिखने में 5 महीने बीत जाते हैं, तो आम आदमी की आप सोच सकते होंगे कि किस तरीके से एफआईआर या क्या कोई एप्लीकेशन तक नहीं दे पाता, इस तरीके से हाल है। जी बिल्कुल मुजीब, हमने ये तस्वीरें देखी किस तरीके से लापरवाही के कारण ये जो महिला है इनकी मौत हो चुकी है, और एक लंबी लड़ाई के बाद यूं कहे कि जो केस है वो दर्ज हुआ है, और अभी आपने जिक्र किया कि आम आदमी की तो सुनवाई तक नहीं होती है। जी मुस्कान, आपको बताना चाहेंगे कि ये एक हॉस्पिटल में यहाँ पे जितने भी मरीज भर्ती होते हैं रात में, ये जितने भी डॉक्टर है रात को 10 और 11 बजे के बीच अपने घरों पे चले जाते हैं, वार्ड बॉय के सारे इन लोग छोड़ के चल देते हैं, उसके बाद में वही रटा रटा है जवाब देता सुबह की हमने तो इलाज किया। रात में जो है जब जांच अधिकारी इसकी जब हमने इसकी शिकायत दर्ज कराई तो जांच अधिकारी ने इसमें इतनी बड़ी लापरवाही है, सीएमओ जो एक अच्छे पोस्ट पे बैठते हैं उनको ये इस तरीके से कहते हैं कि क्या नाम है, हमने जांच की, जांच में क्या नाम है जो है पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। बताइए उन्हीं का पैनल पोस्टमार्टम करता है, उन्हीं को जानकारी नहीं, तो इस तरीके से तो इन लोग जांच अधिकारी होते हैं और एक
वही एक चीज रहता है कि बस जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं होता। आज 5 महीने के बाद जब FIR लिखी गई उसके बाद भी देखने वाली बात होगी कि लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होती या फिर सिर्फ दिखावा रहेगा। बिल्कुल, मुझे भी 4 महीने बाद FIR दर्ज की गई है, क्या इससे पहले पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया? जी, इससे पहले सिर्फ जांच का हवाला दिया जाता है कि जांच कराई जा रही है। जांच कराने में जब वहां पे CCTV फुटेज लगे हुए हैं, सारी चीजें सामने दिख रही हैं, वहां पे हमने कहा कि आप फुटेज निकाल लीजिए, फुटेज में जो भी अगर रात में कोई डॉक्टर अगर होगा, क्या उसकी लापरवाही बरती गई है, सामने आ जाएगा। लेकिन वहां पे कोई फुटेज देने को तैयार नहीं। जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये लोग अपने अपने बाउंसर्स रखते हैं, रात में कोई भी वहां पे बोलने को तैयार नहीं रहता। जैसे ही कोई इतिमानदार बोलता है उनके ऊपर बाउंसर हमला कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मुझे जिस तरीके से दिग्विजय सिंह हॉस्पिटल से ये मामला निकल के सामने आया, जिस पर एक लंबी लड़ाई के बाद सिर्फ अभी मुकदमा ही दर्ज हुआ है, लेकिन क्या इस हॉस्पिटल पर किसका आखिर ऐसा संरक्षण है कि इस पूरे हॉस्पिटल पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है? जी, आपको बता दें कि हॉस्पिटल के ऊपर इन लोगों का रसूख बहुत ऊपर तक है। इसमें जितने भी अधिकारी आला अधिकारी रहते हैं, इन लोगों की एक मिली भगत रहती है, साठ गांठ रहता है, जो भी होती है मोटी रकम लेकर के खाली सेटिंग करते हैं। सेटिंग के ऊपर इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको बता दें कि जितने भी हॉस्पिटल में रोज मौतों का सिलसिला जारी रहता है, उसके बाद में जांच के नाम पर कोई भी जगह पे आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। जी, मुझे भी ये तो कहा जाता है कि डॉक्टर्स कहीं ना कहीं भगवान का एक दूसरा रूप होते हैं जो लोगों को दूसरा जीवन देते हैं, लेकिन इस मामले पर भी कहीं ना कहीं CMO ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया कि जांच की जा रही है। आखिर किस तरीके से ये जांच हो रही है जो लोगों की जान से हर दिन खिलवाड़ हो रहा है गोंडा में? जी, आपको बता दें कि IGRS के माध्यम से 5 एप्लीकेशन पड़ चुके, वहां पे एप्लीकेशन के नाम पे 5 महीने से सिर्फ ये बताया जाता है कि आज रिपोर्ट लगा दी जाएगी, कल लगा दी जाएगी, लेकिन IGRS के माध्यम से भी इन लोगों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही, ना ही उस पर कोई सूचना डाली जाती है। बिल्कुल अपने मन मर्जी से काम करते हैं, कोई भी इन लोगों का डर या खौफ किसी का नहीं है। जी, दिग्विजय सिंह हॉस्पिटल के संचालक का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर उनके अस्पताल में एक मौत हो जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आती है। जी, संचालक का यह कहना है कि क्या नाम है, जो है मैं रात में था, रात में ये 11 बजे अपने घर निकल जाते, उसके बाद 9:40 पर आए, उसके बाद में पीड़िता रात में भर तड़पती रहेगी। वहां पे जो उनके वार्ड बॉय थे या उनके असिस्टेंट थे, उनसे हम लोगों ने पूरे परिवार ने कहा कि अगर तबियत गड़बड़ हो तो कहीं पे इसको शिफ्ट करा दीजिए कहीं दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन कहा नहीं, सब कुछ ठीक है, क्योंकि अपना इन लोगों का मोटी रकम चाहिए थी बस। जी बिल्कुल मुजीब, यू तो प्रदेश के डिप्टी CM के साथ ही स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, तो क्या ये माना जाए कि वहां के CMO में डिप्टी CM का भी खौफ नहीं है? जी, यहाँ पे बता दें कि डिप्टी CMO नहीं, जिला अधिकारी का भी खौफ नहीं, क्योंकि जिला अधिकारी ने ही जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जो आज 4 महीने हो गई, वो कमेटी पे आज भी रिपोर्ट नहीं लगाई गई है। जी, आपको बताते हैं। बिल्कुल मुजीब, तो यानी कि इस पूरे मामले में DM से लेकर के हर एक, यानी बड़े स्तर से लेकर के एक छोटे स्तर का भी अधिकारी शामिल है। जी, आपको बता दें कि इन लोगों का रसूख काफी ऊपर तक राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है, इस वजह से इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इन लोगों के ऊपर सिर्फ कार्रवाई के नाम पर दिखावा किया जाता है। जी मुजीब, ऐसे में CM योगी आदित्यनाथ से अगर गुहार लगानी हो तो क्या कुछ गुहार लगाई जाएगी? जी, वहां पे भी देने के बाद में आता है इन्हीं लोगों के पास जांच के नाम पे, कोई भी जांच हो अगर वहां पे आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो आला अधिकारी के पास ही यहां पे आता है। आला अधिकारी यहां पे आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से अपना निर्वहन कर रहे हैं, कि एक जांच जब खुद का ही यहां पे नहीं हो रहा है, IGRS सब पे नहीं लगवा पाते रिपोर्ट, तो दूसरी जांच क्या करेंगे। वहां पे भी एक फर्जी रिपोर्ट लगा के इन लोगों को भेज दी जाती है, यहाँ सब कुछ यहाँ पे ऑल इज वेल है। जी बिल्कुल मुजीब, यानी कि एक गंभीर मुद्दा है कि गोंडा जनपद में हर दिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आंख बंद करके चुप्पी साधे हुए खाली मौन धारण किए हैं। जी, आपको बता दें कि गोंडा में कितने पैथोलॉजिस्ट है, कितने जो है फार्मेसिस्ट, कोई भी कहीं पे नहीं बैठता है, ना ही कोई मेडिकल स्टोरों पे बैठता है। मेडिकल स्टोर पे भी DM सिंह के यहाँ छापा मारा गया था, वहां पे भी कोई फार्मेसिस्ट उपलब्ध नहीं था। हर चीज में खामियां पाई जाती है जो है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी बिल्कुल मुजीब, अभी आपने सही जिक्र किया है कि खामियां पाई जाती है, क्योंकि लगातार गोंडा जनपद के अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें आती है कि कहीं तीमारदारों को स्ट्रेचर तक नहीं मिलता है, कहीं जो परिजन है वो अपने बुजुर्ग माँ बाप को अपने गोद में सिर्फ अस्पताल लाते हैं महज एक इलाज कराने के लिए, और उस इलाज में भी लापरवाही बरती जाती है। जी, इसी तरीके से यहाँ पे आए दिन तस्वीरें साफ बयां करती है, हर दिन देखने को हम लोगों को मिलता है, लेकिन बस सिर्फ जांच के नाम पे एक हवाला दिया जाता है कि जांच हो रही है, लेकिन आज तक हमने किसी भी हॉस्पिटल के ऊपर कोई कार्रवाई होते हुए नहीं देखा। जी
बिल्कुल सही बात है मुजीब, क्योंकि लगातार प्राइम टीवी प्राथमिकता के आधार पर ये सारी खबरें चलाता है ताकि जो इन सभी मामले हैं इन सब पर एक्शन लिया जाए। लेकिन शायद आपने सही कहा कि जो जिम्मेदार हैं वो अधिकारी जो भी हैं वो आंख मूंद करके बैठे हैं, क्योंकि वो कोई भी कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि गोंडा जनपदों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है वो किस तरीके से चरमरा गई है, जहां संचालक डीएन सिंह के ऊपर मुकदमा तो दर्ज हो चुका है लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के मिलीभगत से वो हर बार बचता हुआ नजर आया। तो दिग्विजय सिंह हॉस्पिटल के संचालक पर ये केस दर्ज कर लिया गया है। संचालक डीएन सिंह के ऊपर आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। महिला के इलाज में लापरवाही बरतने का ये पूरा मामला था, जिसमें तकरीबन 4 से 5 महीने बाद ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि ठंडा खून चढ़ाने से महिला की मौत हुई थी। इस मामले को लेकर तकरीबन 4 महीने से लगातार FIR दर्ज कराने की जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन आखिरकार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह मामला दर्ज हुआ है। मामले में 5 महीने बाद जाकर केस दर्ज हुआ है। तो आप इन सभी खबरों से अंदाजा लगा सकते होंगे बखूबी कि गोंडा में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कितनी लचर है। वहां पर प्राइवेट अस्पताल धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, वहां लोगों की जान से लगातार खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जो जिम्मेदारान अधिकारी है वो मौन व्रत धारण करके बैठे हैं और लगातार ऐसे अस्पतालों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि ये अस्पतालों को और बढ़ावा मिले और लोगों की जान से खिलवाड़ होता रहे। लखनऊ में नकली फेविक्विक की बिक्री का मामला, तो नकली फेविक्विक की बिक्री का मामला लखनऊ से है, जहां 2 दुकानों पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है। 2 दुकानों पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है। रोहित अग्रवाल और पीयूष अग्रवाल की दुकान पर नकली फेविक्विक बेचने के आरोप पर यह छापेमारी की गई है, जहां से तकरीबन 3000 से ज्यादा फेविक्विक भी बरामद हुए। रकाबगंज में बने चुन्नीलाल कॉम्प्लेक्स का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है और नकली फेविक्विक चलाने वाली दुकान का भंडाफोड़ किया है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।